सुनीता जैन, आयुष योग वेलनेस सेंटर रायपुर से। आज हम कुछ घुटने दर्द के लिए योग अभ्यास सीखेंगे। सबसे पहले कुर्सी पर बैठकर करने वाले योग अभ्यास, कुछ एक्सरसाइज। दोनों पैर जमीन पर रखें। पहला अभ्यास, घुटने से पैर सीधा करेंगे जितनी आपकी क्षमता हो, और टखने से एड़ी को, अपने उंगलियों को अच्छे से पीछे की तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे जितना आप कर सके। इनिशियली 5 राउंड से चालू करें, धीरे धीरे 10 से 20 तक लेकर जाइए। वैसे ही दूसरे अभ्यास से भी, दूसरे भी पैर से करेंगे। आपको कुर्सी के पीछे खिसक कर बैठना है ताकि आपके दोनों पैर ऊपर हो जाए। सांस लेते हुए एक पैर सीधा और दूसरे पैर को पीछे की तरफ खींचेंगे, एक, फिर दूसरा पैर सीधा करें, पहले पैर को खींचे पीछे की तरफ, 2, 3, 4, कमर बिल्कुल सीधी रखें और ऐसे ही 10 से 20 बार अभ्यास करें। ठीक है, आइए तीसरा अभ्यास करेंगे जिसमें दोनों पैर हम जमीन पे रखेंगे, कुर्सी से आगे खिसक कर बैठेंगे। सांस लीजिए और दोनों हाथ घुटने के नीचे रखेंगे, घुटने के पास। सांस छोड़ते हुए पैरों को अपने पेट की तरफ खींचेंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस खींचे। ऐसा 5-5 बार से स्टार्ट करें और 15 से 20 बार अभ्यास करें। वैसे ही दूसरे पैर से भी अभ्यास करेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को खींचेंगे, कमर सीधी रखेंगे, सांस लेते हुए वापस। आइए तीसरा अभ्यास करेंगे, चौथा अभ्यास। दोनों हाथों को घुटने के बीच में रखें, दोनों घुटने से अंदर की तरफ दबाव देंगे, अपने मुट्ठी को दबाने की कोशिश, फिर रिलैक्स। ऐसा 3 से 5 गिनती होल्ड करेंगे, घुटने से अंदर की तरफ दबाओ, फिर रिलैक्स। जितनी आपकी क्षमता हो 3 से 5 सेकंड रुकेंगे, फिर रिलैक्स। ऐसा 10 से 20 बार। आइए अंतिम 5वां अभ्यास। अभी दोनों हाथ को बाहर की तरफ रखेंगे, दीवार बनाते हुए अब घुटनों को बाहर की तरफ धक्का देंगे। घुटने से बाहर धक्का दीजिए और हाथ से रोक कर रखें, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ऐसे ही 10 से 20 बार आपको ये अभ्यास रिपीट करना है। अब हम कुछ लेट कर करने वाले अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दाहिने पैर को घुटने से सीधा उठाएंगे जितनी आपकी क्षमता हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। घुटना सीधा रखेंगे और अगर क्षमता हो तो एड़ी से, टखने से पैर आगे और पीछे करेंगे। 5 से 10 बार करने के बाद धीरे से 60 डिग्री, 45, 30 और 0, ऐसे ही दोनों पैर से रिपीट करें। 7वां अभ्यास, एयर वॉक, वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस लेते हुए एक पैर उठाएंगे, धीरे से वापस, ऐसे ही पैर चलते रहने दीजिए। 40 से 50 का एक राउंड पूर्ण करते हुए 3 से 5 राउंड, अर्थात 150 से 200, 250 तक भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे वजन कम करने में, अपना पेट, उदर और जांघ कम करने में भी सहायता मिलती है। ये 2 अभ्यास स्पेशली आपके घुटनों में कम दबाव डालते हुए वजन कम करने में फायदा देता है। आइए अब हम बैठकर करने वाले कुछ अभ्यास देखते हैं।
खींचे, ऐसे ही पैर पीछे और आगे की तरफ खींचते हुए 10 से 20 बार अभ्यास करें। आइए नवा अभ्यास देखेंगे। दोनों हाथ घुटने के नीचे रखेंगे, कमर सीधी, दाहिने पैर को घुटने से सीधा कर लीजिए, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के सांस छोड़ते हुए पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। यह अभ्यास हम जो बैठ कर किए थे वैसे ही, जो चेयर में बैठ के किए थे ये वैसा ही है। सांस लेते हुए पैर को सीधा करें, जांघ भी सीधी करनी है। सांस छोड़ते हुए पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, सांस लेते हुए वापस। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर उठा के रखें, सांस छोड़ते हुए पैर अपने पेट से चिपकाने की कोशिश, सांस लेते हुए पैर सीधा। ध्यान रखें जब आप पैर खींच रहे हो आपके घुटने कम से कम मुड़े और आपका जांघ पूरा पेट की तरफ हो। आइए एक अंतिम अभ्यास देखते हैं, नी प्रेसिंग, जिसमें आपको अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाना है। आप चाहे तो एक तकिया या अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं घुटने के नीचे और अपने घुटनों को नीचे की तरफ दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है। दबा के रखेंगे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। घुटनों को नीचे दबाइए, जांघ को नीचे दबाएंगे, 1 2 3 4 5 रोक कर रखें और फिर ढीला छोड़ें। ऐसे ही आपको 20-20 करके 3 से 4 राउंड आप दिन भर में कर सकते हैं। यह बहुत लाभकारी अभ्यास है आपके नी कैप्सूल को मजबूत बनाने के लिए और दर्द कम करने के। ये सभी अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे तो डेफिनेटली आपको घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप आयुष योग वेलनेस सेंटर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में परामर्श हेतु आ सकते हैं। थैंक यू।